गोस्वामी जी ने हनुमान जी का स्मरण करते हुए एक चौपाई लिखी, बोले तुमरो मंत्र विभीषण माना श्री राम जय राम, हरि तुमरो मंत्र विभीषण माना और लंकेश्वर भय सब जग जाना श्री राम। इसको ऐसे गाना है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम पहला दिन है, हम आपको देखेंगे आप हमको देखिए, फिर हम कल से सोचेंगे कि सौदा किस कैटेगरी का आपको दिया जाएगा। श्रोता को देख करके ग्राहक, बढ़िया दुकानदार वही है जो ग्राहक को भांप करके सौदा निकाले। श्री राम जय राम। तो तुमरो मंत्र विभीषण माना और लंकेश्वर भय सब जग जाना, इसका शाब्दिक अर्थ है कि हे हनुमान जी महाराज, आपके मंत्र को भविष्य ने माना और वो लंका का राजा बन गया। इस तथ्य को, इस सच्चाई को सारी दुनिया अच्छी तरह से जानती है। सेंटेंस पूरा किया करो, ये मतलब हुआ कि आपके दिए हुए मंत्र को भविष्य ने माना और वो लंका का राजा बन गया, इस बात को सारी दुनिया जानती है। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना, ये पाठ कितने दिन से करते आए हो? बचपन गुजर गया, जवानी है, बुढ़ापा में गुजरने वाली है, लेकिन कभी खोजने की कोशिश की कि वो मंत्र कौन सा था, वो कौन सा मंत्र था जिसको भविष्य ने माना और वो लत खौका लात खाकर के जो अपमानित हुआ, पूरे इतिहास में एक ही आदमी है ऐसा, वो बन गया लंका का राजा। लतखौ का लंका का राजा बन गया। आपको ढूंढना होगा कि मंत्र कौन सा है। केवल पाठ करने से काम नहीं चलेगा, पाठ करने से भी चलेगा चलेगा। हर आदमी को रामायण का और हनुमान चालीसा का अर्थ का ज्ञान थोड़ी है, और अर्थ का ज्ञान रख कर करोगे भी क्या? सुनो, इधर से सुनो, इधर से बोलो, निकालो, सुनो, हम बार बार सुनाएंगे आपको वो मंत्र कौन सा था। भविष्य कैसे रहता था लंका के अंदर? जैसे 32 दांतों के बीच में जिभ्या, ऐसा तरह जीवन जीने वाला भविष्य बन गया लंका का राजा। कैसे बन गया? बोले तुमरो मंत्र विभीषण माना श्री राम जय राम, तुमरो मंत्र विभीषण माना और लंकेश्वर भय सब जग जाना। गाओ तुमरो मंत्र विभीषण लंकेश्वर भय। हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश किए, दिन में गए थे कि रात में, हम जानते हैं आप हमसे दूर हैं, लेकिन आपकी आवाज आएगी, जोर से बोलिए, दिन में कि रात में? अति लघु रूप धरो निशी, निशी रात्रि में। पूरे रखवारे देखी बहु कभी मन की न विचार, अति लघु रूप धरो निशी नगर की न पैसार। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। बस